यू आर वेलकम ऑन एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आज मैं बात करने वाली हूँ कन्वर्टेबल फ्रीजर वाले फ्रिज का टेम्परेचर कितना सेट करे अगर विंटर है तो, समर है तो, या मानसून। यानी कि इंडिया में ये तीन सीजन होते ही होते हैं और मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू सेट टेम्परेचर ऑफ सैमसंग 3-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीजर। उस पर लाखों लोग ने कमेंट किया, देखा है उसे, और उस पर ये चार क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों से उसका आंसर देने वाली हूँ, उन लोगों ने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है कि गर्मियों में कितना टेम्परेचर सेट करें, विंटर में कितना टेम्परेचर सेट करें और मानसून में। तो जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी में आप -23 डिग्री सेल्सियस फ्रीज़र का रखें और 1 डिग्री सेल्सियस फ्रिज का रखें, नीचे वाले का। ये फ्रिज है, ऊपर वाला फ्रीज़र है। तो फ्रीज़र के लिए -23 डिग्री सेल्सियस और फ्रिज के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या आप -21 भी रख सकते हैं, 2 डिग्री भी। यानी कि आप समर में ये दोनों टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं फ्रिज को समर में। अब बात होने वाली है मानसून की। तो मानसून में आप -19 डिग्री सेल्सियस आप फ्रीजर का रख सकते हैं, फ्रिज का 3 डिग्री सेल्सियस। मानसून यानी कि बरसात, जिसमें कि बहुत गर्मी भी नहीं होती है और बहुत ठंड भी नहीं होती, नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाता है। तो आप ये टेम्परेचर पे इसे सेट कर सकते हैं, ये इस टेम्परेचर पे -19 डिग्री फ्रीजर और 3 डिग्री फ्रिज। अब हम लोग बात करते हैं विंटर। जी हाँ, विंटर यानी कि ठंड का मौसम। तो ठंड के लिए ये दो टेम्परेचर आपके लिए है, -17 डिग्री सेल्सियस और -15। बहुत ज़्यादा ठंड है, -15 डिग्री सेल्सियस पे रखें फ्रीज़र को और 7 डिग्री सेल्सियस पे रखें फ्रिज को। बहुत ठंड में, ठंड कम है जैसे कि मार्च का मौसम आ गया है, तो आप 5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज को रखें और -17 डिग्री सेल्सियस को फ्रीज़र पे रखें। तो ये बात हो गई समर, मानसून, विंटर की। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये था कि इंस्टेंट फ्रीज़र को कैसे कूल करें, जैसे कि यहाँ पे पावर फ्रीज दिया हुआ है और तो बोलते हैं कि फ्रीज़र को झट से कैसे ठंडा कर दे। कुछ सामान लाया बाहर से और झट से चाहते हैं कि वो फ्रीज हो जाए या आइस क्यूब्स तुरंत बन जाए, तो उसके लिए ये है पावर फ्रीज का ऑप्शन। आप -23 डिग्री सेल्सियस पे कर दीजिए फ्रीज़र को और उसके बाद यहाँ आप पावर फ्रीज कर दीजिए, 3 सेकेंड आप दाबेंगे तो पावर फ्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ये वाला बल्ब यहाँ ऑन हो चुका है। तो ये अगर आप अभी यहाँ -21 डिग्री सेल्सियस मैंने सेट करके रखा हुआ है, अगर आप इंस्टेंट चाहते हैं कूलिंग तो -23 डिग्री सेल्सियस पे करके पावर फ्रीज यहाँ से ऑन कर दीजिएगा, सही है। तो इससे आपका फ्रीजर जो है इंस्टेंट फ्रीज करेगा, कोई भी सामान इंस्टेंट फ्रीज कर जाएगी। इसको बंद करना है, 3 सेकेंड के लिए दाब दें, ये बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ बंद हो चुका है। उसी तरह से फ्रिज को पावर कूल कैसे करें, ये नीचे वाला हिस्सा फ्रिज है, इसमें कोई सामान है आप लाकर रखें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ भी बाहर से गर्म लेकर आए, आप चाहते हैं तुरंत कूल हो जाए, तो सबसे पहले फ्रिज को 1 डिग्री सेल्सियस पे कर दें। 1 डिग्री सेल्सियस इधर से होगा, आप इधर से दाबोगे, इधर से 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये जानना है कि टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, किस तरह से बटन दाबते हैं, तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू सेट टेम्परेचर ऑफ 3-in-1 सैमसंग कन्वर्टेबल फ्रिज, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर दिया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर टैग कर दूंगी। तो अभी मैं उस पर बात नहीं करने वाली हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ कि फ्रिज को इंस्टेंट कूल कैसे किया जाए। तो आप -1 डिग्री सेल्सियस पे कर दीजिए और यहाँ पर है पावर कूल का ऑप्शन, तो उसको 3 सेकेंड के लिए आप दाबिए तो ये फ्रिज जो है वो पावर कूल पर सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जल चुका है, ये यहाँ पे ऑन हो चुका है, और ये वन इस पर जो है आपका फ्रिज जो है ये नीचे वाला हिस्सा पावर कूल करेगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, कोई भी चीज़ आप डालें तो वो तुरंत ठंडी हो जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पर आज ख़त्म हो जाएगा। अगर आगे आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मुझे कमेंट करें, और मेरा जो प्रीवियस वीडियो है हाउ टू सेट टेम्परेचर ऑफ 3-in-1 सैमसंग कन्वर्टेबल फ्रिज, उसको ज़रूर चेक करें। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं बताऊँगी। टिल देन बाय बाय।